हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 2 मिनट सीरीज के रिवीजन मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे के शेप्ड इकोनॉमी के बारे में। तो देखिए, जनवरी 2021 की बारे में बात है। यहाँ पे नोमुरा इंडिया नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स, तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि कोविड-19 के बाद जो इंडिया की जो इकोनॉमी रिकवरी जो हुई थी, ये जो है के शेप फॉर्म में लिया था यहाँ पे। तो के शेप इकोनॉमी कब फॉर्म होती है, जब यहाँ पे अगर बात करेंगे अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अलग अलग तरीके से यहाँ पे ग्रो करती है, रिकवर होने की पैटर्न यहाँ पे अलग अलग होती है, रेट्स ऑफ रिकवरी अलग अलग होती है, टाइम अलग अलग लेती है, या फिर मैग्नीट्यूड अलग अलग होती है रिकवरी की। तो इसके हिसाब से देखा जाए के शेप इकोनॉमी रिकवरी तब फॉर्म होता है यहाँ पे प्री लॉकडाउन या फिर प्री रिसेशन, या फिर जो उसके बाद जब रिसेशन के बाद जो सिचुएशन होती है उसमें देश की इकोनॉमी के साथ जो है यहाँ पे अलग अलग जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनके जो कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। चाहे वो बहुत ही बड़ा अमीर हो, बहुत ही ह्यूज जो बिजनेस टाइकून हो, गरीब लोग हो, या फिर अलग अलग सेक्टर जो है इकोनॉमिक उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे अलग अलग सेक्टर की जो इकोनॉमिक हम लोग जो रिकवरी के जो आउटपुट के जो दो प्रॉन्ग्स को देखेंगे, तो बिफोर एंड आफ्टर जो है यहाँ पे रिसेशन जो शेप लेती है ये के शेप होती है। तो इसको के शेप इकोनॉमी बोला जाता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, कोविड लॉकडाउन के इमीडिएटली बाद जब जो इनकम ग्रेजुअली लो हो गई थी, उसके बाद जब रीओपनिंग के बाद फिर से जब यहाँ पे आई थी, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाइट कॉलर जॉब, वेल्थ टेक्नोलॉजी या फिर लार्ज कैप्स, यहाँ पे तो रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे जो ब्लू कलर हो गई, यहाँ पे साइक्लिकल्स, स्मॉल बिजनेसेस, पोर, उन लोग की यहाँ पे आउटपुट काफी कम हो गई। तो इन एन ओवरऑल आप लोग अगर इस शेप को देख सकते हैं, ये के शेप जैसी फॉर्म कर रही है। अलग अलग शेप की इकोनॉमी को अगर नजर डालेंगे, वी शेप इकोनॉमी यहाँ पे बहुत ही क्विकली जो रिकवर हो जाती है यहाँ पे, यू शेप इकोनॉमी यहाँ पे लो होने के बाद रिकवर करने में काफी टाइम लग जाती है। शॉर्ट रूट इकोनॉमी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे वी शेप से फास्टर होती है, लेकिन यू शेप से यहाँ पे स्लो होती है। जेड शेप रिकवरी में क्या होता है, यहाँ पे जब जो लो हो जाती है उसके बाद फिर से यहाँ पे हाईली जो है ग्रो होती है, लेकिन फिर से यहाँ पे ये स्लो डाउन हो जाती है। तो शेप जो है जेट शेप की ले लेती है यहाँ पे। डब्ल्यू शेप इकोनॉमी तब होती है जब यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शंस बहुत जल्दी उठा लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे नीचे तो आई लेकिन फिर से ग्रो किया, लेकिन अलग अलग यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ना होने की वजह से, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे फिर से स्लो डाउन होती है और फिर से रिकवर होती है। तो शेप जो है डब्ल्यू की ले लेती है। एल शेप रिकवरी में क्या होती है, जब यहाँ पे लो हो जाती है, इसके बाद फुल से फुल रिकवरी होने में ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। तो ये शेप जो है एल शेप इकोनॉमी का शेप ले लेती है यहाँ पे। तो के शेप इकोनॉमी के इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे उनकी जो एक्सपीरियंस अलग अलग होती है। तो जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए यहाँ पे, उन लोग को ज्यादातर देखा गया था कि परमानेंट लॉस या फिर वेज कट डाउन हुई थी। तो उसके वजह से क्या हो गया कि लॉकडाउन के वजह से लोग ने यहाँ पे घरों से निकलना बंद कर दिया, जो वेज कट डाउन हो गई यहाँ पे, लेबर लॉस हो गई, और उसके वजह से डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कम होने लगी। उसके वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पे बिग बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हो गए यहाँ पे, उन लोगों ने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यूज किया, अलग अलग तरीके से देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए कोशिश की थी यहाँ पे। लेकिन जो गरीब लोग हैं, यहाँ पे एक टर्म आती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि उन लोग की सेविंग जितनी होती है उससे बहुत ज्यादा उन लोग की स्पेंडिंग हो जाती है, कंजम्पशन हो जाती है, जिसके वजह से सेविंग्स ना के बराबर और कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये कंजम्पशन कहाँ पे जाती है, ये एज ए पुलिंग इफेक्ट के हिसाब से फ्रॉम पोअर टू रिच चली जाती है। तो इसके वजह से क्या देखने को मिलता है, जो इनइक्वलिटी इकोनॉमी में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे जो अगर बात करेंगे जो पुलिंग इफेक्ट फ्रॉम पोर टू रिच, इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जगहों पे जो भी छोटे छोटे यहाँ पे एमएसएमईज की बात करेंगे, उन लोग में कंपटीशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। कंपटीशन उस लेवल पे नहीं होते जितना पहले हुआ था।
और दूसरी बात कि यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने भी मार्केट में अलग अलग तरीके से पैसा इंट्रोड्यूस किया था, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत अभियान हो या फिर अलग अलग प्रोसेस हो, तो उसके वजह से क्या होती है कि इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफी सोच समझ के किया था, लेकिन अलग अलग बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट जो है उस कॉन्स्ट्रेंट के हिसाब से यहाँ पे पोलिटिकल एक्टिविटी पोलिटिसाइज करके भी उसको जो है टाइट स्ट्रेटेजी भी बनाया जाता है। अलग अलग गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज तो बिल्ड की है यहाँ पे, लेकिन उसको इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करने में भी टाइम लग जाता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हो गए, या फिर जो हाउस होल्ड हो गए यहाँ पे, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्शियरी सेक्टर, उनमें जो रिकवरी की रेट या फिर रिकवरी की आउटपुट पैटर्न, ये अलग अलग होती है जो के शेप फॉर्म करती है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे के शेप रिकवरी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो प्लीज देखते रहिए स्टडी राइज। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।